नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। सकल हिंदू समाज बैतूल द्वारा तिलकधारी बाबा की मृत्यु की जांच हेतु एसपी को सौंपा ज्ञापन। आज सकल हिंदू समाज बैतूल द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि संत लोकेश तायवाड़े तिलकधारी बाबा, जिनकी मृत्यु दिनांक 13/4/2023 को उनकी लाश बल्ली पर लटकी हुई मिली है, तथा सभी ग्राम के और समाज के लोगों को ऐसा लगता है कि वह आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। जिस स्थिति में उनका शव पाया गया, उससे यह प्रतीत होता है कि यह योजनाबद्ध तरीके से की गई निर्मम हत्या है, तथा संत लोकेश तायवाड़े तिलकधारी बाबा धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति थे एवं संत लोकेश तायवाड़े को जिन लोगों से खतरा था एवं हमला किया था तथा जान से खतरा होने वाली व्यक्तियों के खिलाफ कलेक्टर को दिनांक 10/4/2023 को स्वयं आवेदन भी दिया था तथा इस आवेदन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। पूर्व में संत लोकेश तायवाड़े को जिन लोगों से खतरा था, आवेदन देने पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और इस आवेदन के आधार पर जब उनकी मृत्यु हुई, जिनसे संत लोकेश तायवाड़े को खतरा था, उन लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। और इस प्रकार समाज के ध्यान में रखते हैं और इस प्रकार समाज के ध्यान में आता है कि इस मृत्यु के मामले में प्रशासन गंभीर रूप से इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है, न ही इस विषय पर कोई निष्पक्ष जांच हो रही है। जान के खतरे के संबंध में संत लोकेश तायवाड़े ने कई बार जिला प्रशासन को आवेदन दिए हैं, परंतु प्रशासन द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई। जो लोग तिलकधारी बाबा को प्रताड़ित कर रहे थे, उनके खिलाफ आत्महत्या प्रेरित करने के लिए अपराध पंजीकृत किया जाना चाहिए। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। अगर इस मामले में जांच नहीं की जाती है, हमारे हिंदुत्वादी कार्यकर्ता लोकेश तायवाड़े की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जानी चाहिए। सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता आज यहां पर, विभिन्न हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद है और उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। यदि समय पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो बड़े से बड़ा आंदोलन करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम दीपक मालवीय है। पूर्व में 13 तारीख को बैतूल जिले में घटना हुई थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के धर्म रक्षा यात्रा प्रमुख लोकेश तायवाड़े जी की उन्होंने आत्महत्या की, ऐसा प्रशासन बता रहे थे। लेकिन उसी क्षेत्र के और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहने के बावजूद वो ऐसी घटना नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र पूर्वक उनको प्रताड़ित किया गया कुछ लोगों के माध्यम से। एक वहाँ पर विवाद चल रहा था शिवाजी मूर्ति को लेकर, उस मूर्ति की स्थापना को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उनको इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। आगामी समय में अगर कुछ कार्रवाई उस पर नहीं हो सकती है तो पूरा समस्त हिंदू समाज एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन बैतूल जिले में करेगा, इसके जिम्मे सभी लोग एकत्रित होकर अपने बीच में लोकेश जी तायवाड़े, जो तिलकधारी बाबा के नाम से पूरे क्षेत्र में अपने विख्यात भी है, उनकी आत्महत्या जो जिस प्रकार से समाज में पता चल रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन यहाँ सब विरोधाभास है। सभी को ऐसा लगता है कि वो आत्महत्या नहीं होगी क्योंकि किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। इसलिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से सभी से निवेदन कर रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई हो और जिन जिनके नाम उनने इसमें दिए हुए हैं, जिनसे उनको खतरा था, यानी 10 तारीख जब इनकी दुर्घटना के होने के 2 दिन पूर्व इनने गलती एसपी महोदय के ज्ञापन सौंपा था, उसमें यह उल्लेख भी किया था कि मेरे को जान का खतरा है और उसके बाद अचानक उनकी इस प्रकार की जो शरीर मिलता है उनका चलते लटका हुआ, तो वो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें षड्यंत्र की। जो परिजनों ने भी पूर्व में आरोप लगाए थे, तो क्या कुछ जांच हुई है इस मामले में? उसमें जांच चल रही है, हमारी प्रशासन से बात हुई है, पुलिस अधीक्षक महोदय से, टीआई से बात हुई है, तो उन्होंने ये बोला कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ निर्णय ठोस आया नहीं है, इसलिए समस्त हिंदू समाज एकत्रित होकर ये ज्ञापन सौंप रहा है। मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।